गवर्नमेंट ने बड़ा इनोवेटिव वे निकाला है टू रिवॉर्ड द एसएससी। उनको पता है कि आज की तनख्वाह किसी की कम है और वो सेविंग नहीं कर पाता, तो वो सेविंग नहीं करके उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहा, तो इसलिए उन्होंने एक नया रेजिम निकाला। ओल्ड रेजिम में सारे बेनिफिट लेने के लिए आपको सेविंग करनी पड़ती थी, 1,50,000 रुपए की सेविंग, एचआरए की सेविंग, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की सेविंग, एनपीएस की सेविंग, ये पैसा मैं अपनी जेब से इन सब में डालूंगा तो मुझे रिबेट मिलती है। न्यू रिजिम में उन्होंने बोला जी आपको पैसा डालने की इच्छा नहीं है, आप उसमें बिलीव नहीं करते, या आपको पैसा बचता नहीं है, आप उसको सेविंग नहीं कर सकते, तो आपका ऑप्शन है कि आप ओल्ड रिजिम में जाएं या नए रिजिम में जाएं। अगर आप नए रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपने अगर सेविंग की भी है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट आपके टैक्स रेट का स्ट्रक्चर कम होगा। ओल्ड रिजिम के टैक्स रेट और नए रिजिम के टैक्स रेट में उन्होंने कुछ रिबेट कम करके दी हुई। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपकी इनकम 1,500,000 रुपए है फ्रॉम द सैलरी फ्रॉम द वेरियस कॉम्पोनेंट्स, और आप अगर ओल्ड रिजिम में और नए रिजिम में है, तो ओल्ड रिजिम और नए रिजिम में 1,500,000 रुपए के ऊपर नए रिजिम में टैक्सेस 70,000 से 75,000 रुपए की कम है, आपको बेनिफिट मिलता है, आपके टैक्सेस कम हो जाते हैं। इसलिए आप ब्लाइंडली ये ना सोचें कि मुझे नए रिजिम में जाना है या पुराने रिजिम में जाना है, आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरी इनकम कितनी है। इसके साथ में क्योंकि गवर्नमेंट इसमें रिजिडिटी नहीं चाहती है, तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली ये कहा हुआ है आप हर साल अपना रिजिम चूज अपने आप कर सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इस साल नया रिजिम लिया, अगले साल सेविंग करना चाहते हैं आपने ओल्ड रिजिम ले लिया, उसके अगले साल आप सेविंग फिर करना चाहते हैं आपने फिर ओल्ड रिजिम ले लिया, उसके अगले साल आप सेविंग नहीं करना चाहते हैं आपने नया रिजिम ले लिया। तो ईच ईयर इज डिफरेंट एंड यू आर फ्लेक्सिबल टू डिसाइड वेदर यू विल टेक ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम। आपने कोई भी रिजिम लिया उसकी वजह से आपकी फ्रीडम कर्टेल नहीं होती है, आपके बेनिफिट लूज नहीं होते।